22 अप्रैल 2023 अक्षय तृतीया पर नहीं खरीद सकते हैं सोना, तो खरीदें 5 रुपए की ये चीज, चमक जाएगी किस्मत। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी खास चीजों के बारे में जिन्हें अक्षय तृतीया के दिन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। साल 2023 में 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के अवसर पर सोना खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन आप सोने के रूप में धन लक्ष्मी को घर लाते हैं। इस दिन खरीदा गया सोना अक्षय रहता है। हालांकि सभी लोग अक्षय तृतीया के दिन सोना नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि यह काफी महंगा होता है। ऐसे में आप अक्षय तृतीया के दिन 5 रुपए में भी अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन सोने के अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो घर लाने पर बेहद ही शुभ फल देती हैं। अक्षय तृतीया पर करें जौ से पूजा। ऐसी मान्यता है कि अगर अक्षय तृतीया के दिन आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो 5 रुपए के जौ खरीद कर घर लाएं और उससे मां लक्ष्मी की पूजा करें। जौ को सृष्टि का सबसे पहला अन्न माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जौ भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने जब सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले जौ की ही उत्पत्ति की। इसे पूजा पाठ और हवन में भी विशेष स्थान प्राप्त है। जौ पूजा से माँ होती हैं प्रसन्न। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर जब आप शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी की पूजा में जौ का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आपका घर धन धान्य से भर जाता है। श्री यंत्र और कुबेर यंत्र। शास्त्रों की माने तो अक्षय तृतीया के दिन पूजा के समय श्री यंत्र और कुबेर यंत्र की भी पूजा करना बेहद ही शुभ होता है। इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना शुभ फलदायी माना गया है। अक्षय तृतीया पर पूजा के समय माता लक्ष्मी के महामंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः का जाप जरूर करें। माँ को अर्पित करें ये खास चीजें। अक्षय तृतीया के दिन पूजा के समय माता लक्ष्मी को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। पूजा में कमल या लाल गुलाब का फूल, कमलगट्टा, पीली कौड़ियां, मखाने की खीर, बताशा, दूध से बनी मिठाई चढ़ाना शुभ होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।